हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं ये एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें एक बेसिकली मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। अभी अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने एक कैमरा लिया और उसके लिए एक एक्सटर्नल माइक उसने परचेस किया, जो कि ये वाला है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे ही वो पूरा शूट करके बाहर से आ गया और बाहर से आने के बाद उसने देखा तो उसमें उनका ऑडियो ही नहीं था। खाली एक वीडियो शूट हुआ था, उसमें वो कोई ऑडियो आउटपुट ही नहीं आ रहा था। ठीक है, इन शॉर्ट उसका कोई ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। तो उसने मुझे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर मैंने उसको पूछा कि तेरा माइक में तूने कन्वर्टर क्या लगाया था कि क्या है। तो उसने मुझे दिखाया कि पर्टिकुलर ये वाला मैंने माइक्रोफोन परचेस किया था, जो मैंने डायरेक्टली कैमरा उस पर फिट करके मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया था। अब दोस्तों देखिए, इसमें क्या होगा कि जब भी आप कोई भी कैमरा आप इनपुट देते हो तो उसमें पर्टिकुलर आपको TRS इनपुट होना चाहिए, TRRS इनपुट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे पर्टिकुलर समझ लो ये वाला माइक्रोफोन है, तो इसमें ये जो वाला जेक है जो आप कैमरे में लगाएंगे तो ये वाला जेक उसमें नहीं चलेगा। ये 3.5 mm जेक है TRRS। ठीक है, अब आपको इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इनका सॉल्यूशन आता है कि इसका एक कन्वर्टर आता है। ठीक है, जो TRRS के आउटपुट को TRS में कन्वर्ट करके कैमरास को प्रोवाइड करेगा ताकि आपका प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो पाएगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा मैं TRS के बारे में बता देता हूँ, ये चीज़ है क्या। अब जैसे आप ये देख रहे होगे, यहाँ पे आपको 3 ब्लैक रिंग दिखाई दे रही होगी और जबकि यहाँ पे खाली 2 ही रिंग है। ठीक है, अब TRRS का मीनिंग क्या है। टी मतलब टिप। ठीक है, तो सबसे जो ऊपर टॉप का पार्ट है वो टिप होता है। सेकंड आर मतलब रिंग रिंग रिंग। ठीक है, और एस मतलब स्लेव। तो TRRS इस तरह से इसमें डिफरेंशिएट होता है डिफरेंट अलग अलग जेब में। और दूसरा आप ये देखोगे तो इसमें क्या है TRS। ठीक है, टिप रिंग स्लिप। तो ये वाला जो जेक है वही एडप्टर है, वही आपको कैमरेज में आपका चलेगा। ये वाला डायरेक्टली ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जब भी आप एक्सटर्नल माइक परचेस करते हैं कोई भी, अगर तो उसमें आप डायरेक्ट ये पहले देख लीजिए। काफ़ी सारे ऐसी कंपनी है कि जो डायरेक्टली केबल भी प्रोवाइड करती है, जैसे शॉटगन डायरेक्शनल माइक्रोफोन हो गया, तो उसमें ज़्यादातर कंपनीज साथ में एक केबल प्रोवाइड करती है जो डायरेक्टली TRS का आउटपुट देती है। ठीक है, तो उसमें आपको ये वाला एडप्टर लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आप ज़्यादातर जो भी ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है, ठीक है, ये वाला, तो उसमें आपको 3.5 mm जेक ही मिलेगा। तो उसके लिए आपको एक कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप खास ध्यान रखिए ताकि आपका कोई भी कंटेंट वेस्ट ना हो रिकॉर्डिंग करने के बाद, फिर से आपको वो रिकॉर्ड ना करना पड़े। ठीक है, और आपकी जो मेमोरीज है वो प्रॉपर आपका कंटेंट हो, वो मिस ना हो। ठीक है, और बस इस वीडियो में खाली मुझे इतना ही बताना था। बाकी आपके कोई डाउट क्वेरीज रहते हैं तो आप मुझे बताओ, तो मैं आपको जितना हो सके उतना जल्दी आपको रिवर्ट करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके भी कोई फ्रेंड इस कैटेगरी में नया व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर इस तरह से कुछ भी उनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर करिए। मैं इस चैनल में काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ, जैसे काफ़ी सारे एक्सेसरीज़, मैं खुद भी मोटो व्लॉगिंग करता हूँ तो उसमें मैंने भी काफ़ी सारे एक्सेसरीज़ परचेज़ किया हुआ है। जैसे कि मेरे पास अभी गोप्रो हीरो 9 है, मीडिया मोड है, तो उसका भी अनबॉक्सिंग मैं जल्दी लाने वाला हूँ और प्रॉपर आपको सेटअप दिखाने वाला हूँ कि अगर आप मोटो व्लॉगिंग करते हो तो उसमें क्या क्या एक्सेसरीज आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक बेस सेटअप आप किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।